आचार संहिता क्या लगी, बीजेपी के सारे अरमान धूमिल हो गए, प्रचार के सारे सिस्टम की धज्जियां उड़ गई, बाइक और रथ खड़े रह गए, फरुखाबाद में मुकदमा हो गया सो अलग। दूसरी तरफ सभा वाले आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर भी प्रशासन की कार्रवाई से दूर हैं। अब बीजेपी कह रही है कि प्रशासन हमसे सौतेला व्यवहार करता है। बीजेपी प्रचार तंत्र पर आचार संहिता का चाबुक, चुनावी बाइक और रथ के पहिए हो गए जाम, आचार संहिता के फेर में अटकी बीजेपी, चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप, क्या सत्ता के चश्मे से सब देख रहा है प्रशासन? बड़ी तैयारी के साथ चुनाव प्रचार में कूदने वाली बीजेपी आचार संहिता लगते ही उलझ गई और पार्टी का ये चर्चित प्रचार अभियान मंद पड़ गया। यूपी की सत्ता पर कब्जा करने के लिए भाजपा ने शाही तैयारी की, एक प्रोग्राम खत्म हुआ और दो की रूपरेखा आ जाती है। पूरे प्रदेश में पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में पूर्णकालिक प्रचारकों सहित सफेद कलर वाली चर्चित बाइकों को तैनात किया, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद पार्टी इस प्रचार तंत्र के लिए प्रशासनिक अनुमति की व्यवस्था भी नहीं कर पाई और पूरे प्रचार तंत्र के पहिए जाम हो गए। मेरठ में पार्टी के महिला मोर्चा का उड़ान कार्यक्रम हुआ और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने भीड़ के साथ बिना अनुमति के कार्यक्रम को लाइव देखा और प्रशासन ने आधे घंटे के भीतर ही पार्टी के दो पूर्व विधायकों के निजी वाहन सीज कर दिए। प्रशासन ने बीजेपी जिलाध्यक्ष को ही मुकदमे में नामजद कर लिया। दूसरी तरफ सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी ने आचार संहिता को चुनौती देते हुए बैंड बाजा आतिशबाजी और वाहनों के काफिले के साथ स्वागत जुलूस निकाल डाला और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। इसे लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष डीएम के पास ज्ञापन देने पहुंचे और भेदभाव का आरोप लगाया। हम सब लोगों से कहते हैं कि कोऑपरेट करने की बात, लेकिन कोऑपरेट करने का मापदंड अगर प्रशासन एक जैसा अपनाएगा तो हम सब लोग उसको कोऑपरेट करेंगे, और अगर ये प्रशासन के रवैये में सुधार नहीं हुआ, परमिशन में अनुमति नहीं देना, कार्यक्रमों में अड़ंगा डालना, इस प्रकार का अगर व्यवहार किया तो भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश को बताने के लिए और उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग को बताने के लिए ऐसा कोई कदम उठाएगी जिसको पूरे प्रदेश भर में बिना जाने ही जिले के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं शमशाबाद में स्वागत जुलूस पर सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी का कहना है कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने जानबूझकर आचार संहिता नहीं तोड़ी। हमने करा ही नहीं, हम कहीं कुछ हमने नहीं करा, अभी कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने कह दिया कैसे रोकूं। जोश है, लोग खुश हैं, सरकार बनने जा रही है हमारी, लोगों में अपना कुछ परिवर्तन की बात, मायूसी होती है या उत्साह होता है, जो उत्साह है इसको हम नहीं रोक सकते। ये इंटेंशनली किया हुआ अपराध नहीं है, अपराध जो है वो मेंटल पे डिपेंड करता है, मेंटली नहीं है हमारा, हो गया इंटेंशनली नहीं है। ऐसे में सवाल प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं, क्या वो हर तस्वीर सत्ता के चश्मे से ही देख रहा है और आचार संहिता के पालन में कड़ाई क्यों नहीं हो रही? आखिर दो तरफा कार्रवाई की वजह क्या है? फर्रुखाबाद से समाचार प्लस के लिए अनिल वर्मा की रिपोर्ट।